एलविश यादव ते सागर ठाकुर दे विचकार जो विवाद होया सी ओ हुण सुलझदा होया नजर आ रहा है क्योंकि दोवें ही हुण एक फोटो दे विच दिखाई दिते ने ते एलविश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ते इस फोटो नू शेयर किया जिस दे विच उन्होंने लिखा है कि भाईचारा ऑन टॉप। तां दरअसल तुहानू दस दिए कि पूरा मामला की सी, दोवां दे विचकार किसी गल नू लैके लड़ाई हुंदी है। लड़ाई होने तो बाद क्या जा रहा है कि जो सागर ठाकुर सी उसने पुलिस दे कोल इसकी शिकायत दी सी कि एलविश यादव ने उसके नाल कुटमार की है। हालांकि कुटमार की एक वीडियो भी सोशल मीडिया के उत्ते काफ़ी तेजी नाल वायरल हुई सी। तां इस सब तो बाद लगातार हुण एलविश यादव के खिलाफ जो सी वो लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा सी क्योंकि जिस वीडियो दे विच देखा जा सकता सी कि एलविश यादव अपने नाल कई बंदियां नू लेके आउंदा है ते जो सागर ठाकुर यूट्यूबर है उसके नाल कुटमार करता है। तां उस तो बाद जो सागर ठाकुर है उसके वल्लों भी एक वीडियो सोशल मीडिया के उत्ते पाई जाती है जो कि वायरल भी काफ़ी हुई सी, जिस दे विच उसने खुद कहा सी कि एलविश यादव ने उसके नाल कुटमार की है। हालांकि जिस कारण उसके बुल्लां दे उत्ते जो चोट है वह लगी है। तो इस तो बाद उसके वालों इसकी शिकायत पुलिस के कोल दिती गई थी, पर हुण इसी दे विचकार एक खबर निकल के सामने आई है कि दोवां दे विचकार समझौता हो गया। सागर ठाकुर दे वालों भी एक वीडियो सोशल मीडिया के उत्ते पाई गई है जिस दे विच उसने खुद कहा कि एलविश यादव दे नाल उसका समझौता हो गया क्योंकि कई गल्लां नूं लैके उन्हां दोवां दे विचकार मिसअंडरस्टैंडिंग सी ते उस मिसअंडरस्टैंडिंग नूं हुण दूर कर लिया गया। तो दस दिए कि उसका यह भी कहना है कि वह दोवें ही इको कम्यूनिटी तो बिलोंग करते हैं तो अजिहे दे विच वह लड़ते हुए चंगे नहीं लगते। तो दस दिए कि सागर ठाकुर यूट्यूबर एलविश यादव के खिलाफ जो विवाद से वह हुण सुलझ चुका है, दोवां दे विचकार समझौता होया। एक पासे जिते एलविश यादव ने दोवां दे नाल फोटो पाई है उपर लिखे भाईचारा ऑन टॉप ते उधरले पासे हुण सागर ठाकुर ने भी एक वीडियो पाई है जिस दे विच उसने लिखा है कि जो दोवां दे विचकार मतभेद होए सी उन्हां नूं दूर कर लिया गया, काफ़ी गल्लां नूं लैके मिसअंडरस्टैंडिंग सी जिस दे कारण यह सारा झगड़ा होया सी, पर हुण उन्होंने बैठ के इस गल नूं सुलझा लिया। दस दिए कि एलविश यादव ने सागर ठाकुर दे नाल कुटमार कीती सी, बंदे लेके उसके कोल पहुंचिया सी अते ओ वीडियो लड़ाई दी सोशल मीडिया दे उत्ते काफ़ी तेजी नाल वायरल हुई सी। ते दूजे पासे लोकां दा भी यही कहना सी कि एलविश यादव दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है, पर हुण तुहानू दस दिए कि दोवां दे विचकार समझौता हो गया। हाय एवरीवन, तो आज मैं एलविश से मिला और हीट ऑफ द मूवमेंट पर जो भी हमारे बीच हुआ उसके बारे में हमने चर्चा की, जिसमें रजत भाई ने मेरे को समझाया, हमको समझाया कि हम लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसके बावजूद भी हम लड़ रहे हैं और वो भी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो हमने क्लियर कर ली एंड थैंक्स टू रजत भाई जो कल मेरे घर आए, मेरे को समझाया अगर सामने वाले से बातचीत करके एक नॉर्मल सा कन्वर्सेशन करके अगर कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो वो बेहतर है, और जो कि आज हमारे बीच में हुआ, हमने बातचीत की अच्छे से और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर कर ली। इन एंड मैं यही कहना चाहूँगा, हम सभी लोग सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, भाईचारा बना रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए, तो प्यार बांटो। बाकी आप सभी को जय श्री राम।